नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा स्वागत करता हूं आपका देवभूमि मिरर चैनल में। और आज हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं लक्ष्मी नारायण जी के। जी हां, 3 शताब्दी पुराना मंदिर है दोस्तों। आज हम इस मंदिर के अंदर आपको लेकर जाएंगे और इसकी खूबसूरती और इसकी मान्यता आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये मंदिर ठाकुर द्वारा में है जिसके हम आपको दर्शन करवा रहे हैं और ये सब तहसील आलमपुर जिला कांगड़ा में पड़ता है। और अब हम आपको अंदर लेकर जा रहे हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करवा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, मूर्तियों की जो खूबसूरती है वो देखते ही बन रही है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा और नज़दीक लेकर जा रहा हूँ। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे माथा टेकने आते हैं। देखिए इन खूबसूरत मूर्तियों को, ये मंदिर के चारों तरफ रखी हुई हैं दोस्तों, कि खूबसूरती देखते ही बनती है। कुछ टूट चुकी हैं, बहुत पुरानी हैं, इसलिए इनके जो पार्ट्स हैं वो। दोस्तों ये पुराने ज़माने की नक्काशियां हैं जो इन पत्थरों के ऊपर की गई हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां। ये देखिए हाथी नज़र आ रहा है हमें, ये भगवान कार्तिकेय की बहुत ही पुरानी प्रतिमा छोटी सी बनाई हुई है, में काफ़ी देवी देवता जो है वो दिखाए गए हैं। ये देखिए भगवान गणपति जी। इसके बाद हम मंदिर के पुजारी जी से मिले जो इसकी देखरेख करते हैं, जो इस धरोहर को संभाल रहे हैं। इनकी कुछ बातें हैं जो आपको बताएंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है जी विपिन शर्मा। विपिन शर्मा जी, विपिन जी, जी क्या मान्यता है इस मंदिर की, कितने साल पुराना, कुछ बताएंगे, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। ये मंदिर है जी 1655 ईस्वी पुराना, तो ये राजा संसार चंद जी के समय से बना हुआ है। तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मनिष्ठा का फल यहाँ से प्राप्त करते हैं। और भगवान नारायण जी साक्षात पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो इनके द्वार में जो भी आता है तो उस पर वो हर कुछ अपना मनोरथ पूर्ण करके जाते हैं यहाँ पर। चूँकि आपकी कोई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स जो इस मंदिर के लिए पूरी ना हो रही हो, कोई आप किसी से गुजारिश करना चाहेंगे कि हाजी हमें ये कमी होती है यहाँ पे महसूस, कुछ ऐसी कोई बात बोलना चाहेंगे? ऐसा है थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, कभी जैसे यहाँ पे पेड़ पौधे उग जाते हैं मंदिर के ऊपर तो फिर वो मंदिर को क्षति कर रहे हैं जी। तो जैसे इसका निर्माण जो है दोबारा से करवाने की इच्छा रखता हूँ मैं जी, ताकि ये मंदिर और भी कई सालों तक युगों तक चले जी। नहीं तो ये जैसे ये पेड़ हैं पौधे हैं, इनकी जड़ें जो हैं वो तैने जो बड़े बड़े मोटे हो गए हैं, इन्होंने क्षति कर रहे हैं मंदिर को। भगवान गणपति की मूर्ति है देखिए दोस्तों, इस मंदिर की यही खासियत है, यहाँ पे दूर दूर से लोग जो है वो माथा टेकने आते हैं। आपको हमने मंदिर के दर्शन इसलिए करवाए हैं क्योंकि आज गुरुवार है, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।